हाय गाइस, वेलकम बैक टू लेट्स सिंग एपिसोड 3। ये मेरा यूट्यूब चैनल है कैप्टनिक, बट मेरा नाम निहारिका है और मेरा सरनेम सिंह है, इसीलिए लेट्स सिंग। तीसरी बार समझा रही हूँ, चौथे एपिसोड से नहीं बताऊंगी। तो आज जिस गाने के लिरिक्स, सिर्फ लिरिक्स, हमें ना गाने से कोई मतलब है, ना सिंगर से, ना उसमें जिसने ऐड किया, हम सिर्फ लिरिक्स पे फोकस कर रहे हैं। लिरिक्स, लेट्स सिंग। 100 बार बोलती हूँ मैं, फिर भी लोग आगे भाईयत कमेंट्स करके जाते हैं। मेरी क्या दुश्मनी यार इन सिंगर से और जो भी लोग हैं। हम सिर्फ लिरिक्स समझेंगे, ये रोस्ट नहीं है। हर वीडियो में बोलती हूँ, मानने के लिए तैयार नहीं हो तुम लोग। मुझे रोस्टिंग नहीं आती है और मुझे करना अच्छा भी नहीं लगता है। आज हम इस गाने के लिरिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। गेंदा फूल बहुत ही फेमस हुआ था पिछले लॉकडाउन में। जैकलिन फर्नांडिस बहुत उम्दा लग रही हैं, मैं उर्दू के थोड़े नए वर्ड सीख रही हूँ। और बादशाह एज यूजुअल बहुत क्रेजी म्यूजिक देते हैं, काफ़ी उनके जो सॉन्ग्स हैं सुपर डुपर हिट हुए हैं। मुझे पर्सनली उनका बहुत सारा गाना है जो अच्छा लगता है, बट आज हम इनका लिरिक्स समझने की कोशिश करें। लिरिक्स लिखा है खुद इन्होंने, बाय द वे म्यूजिक भी इन्होंने दिया, लिरिक्स भी इन्होंने लिखा है। गाना स्टार्ट होता है 6 बार ऐसे, फिर लिरिक्स कुछ इस प्रकार शुरू होते हैं। चले जब तू लटक मटक, नॉर्मली वो शायद नहीं चलती होगी, लेकिन जब वो चलती है लटक मटक तो क्या होता है, इस पे गौर फरमाइए। फरमाइए राजू, गौर फरमाने कह रही कब से, वीडियो चालू करके यहाँ वहाँ ध्यान रहता है। तो जब भी वो लटक मटक के चलती है, लौंडो के दिल पटक पटक, ये वो दंगल वाला पटक पटक नहीं, 5 दाव वाला पॉइंट नहीं, ये अलग पटक है, दिल पटक एक्सप्रेशन है, फिजिकली ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सांसें जाएं अटक अटक, ये वैसे एक COVID-19 का प्राइमरी सिम्टम है, बट इस गाने का इस सिचुएशन से रिलेशन कोई भी नहीं। फिर आता माझी सटक सटक, सीधी बात है, उसका दिल पटक रहा है, उसकी सांस अटक रही है, तो गुस्सा तो आएगा, इरिटेशन तो होगी, फ्रस्ट्रेशन काफी वैलिड है यहाँ पे, बंदा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। बाद में वो कह रहा है बम तेरा गोते खाए, आपने कोई पोलाइट वर्ड यूज करने की कोशिश भी नहीं है, सीधा बम कह दिया है। बम नहीं, मच्छी हो गया है वो पानी में जो गोते खा रहा है। बम तेरा गोते खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बट इनको ऐसा क्यों लगता है लड़कियां कमर पे से बटरफ्लाई बनवाएंगी, ड्रैगन भी बना सकते हैं हम, सांप, एनाकोंडा, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, बट ये सिर्फ उसी लड़की के बारे में बात कर रहा है जिसके कमर पे बटरफ्लाई का टैटू है। तो आप और मैं सेफ है, अनलेस आपके कमर पे बटरफ्लाई हो। बॉडी तेरी मक्खन जैसी, खाने में बस तू बटर खाए, वाहियात। ये इसको कौन मानेगा इसको, जैकलिन फर्नांडिस की बॉडी देखी है, वो बटर खा के बनी है, तब तो ये जिम, डाइट, योगा, ये कीटो, इन सबको तो फिर भाई ये आउट ऑफ बिजनेस कर देंगे। खाने में बस तू बटर खाओ, फिर वैसी बॉडी है, मतलब हमारे साथ तो फ्रॉड हो रहा है। हम यहाँ पे जंक वंक छोड़ के बैठे, तब जाके थोड़ा जो है गाल अंदर गया है, डबल चिन जो है अभी थोड़ी हल्की सी कोशिश कर रही है ऊपर जाने की। फिर वो कह रहे हैं कम ऑन बेबी किक इट किक इट, मतलब लात मार दे उसको लड़की जाके, ये तो प्रवोक कर रहे हैं। बंदी जाके अगर लात मार भी देती है तो सही है। काटू तेरी टिकट टिकट, क्यों आप टीसी लगे वहां पे, किस बात की टिकट, नो पार्किंग में पार्क किए उसने, ये क्या हो गया है। पर ठीक है, बादशाह ने बोल दिया काटू टिकट तो काटू टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लू तेरी विकेट विकेट। आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर, ड्रीम इलेवन पे टीम बनाइए, फिर बिना क्रिकेट खेले आप विकेट ले रहे हैं, विराट को तो ऐसे आउट ऑफ बिजनेस कर देंगे आप। अच्छा हुआ धोनी पहले रिटायर हो गया, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स, नहीं तो क्या उनके दिल पे गुजरती। हाँ, फिर बंगाली लिरिक्स आते हैं। एडवांस में सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा प्रोनंसिएशन बांग्ला का सही नहीं है, क्योंकि मैं बोलती नहीं। बोरो लोकेर बीटी लो लोम्बा लोम्बा चूल, अमनो माथे बिंदे देवो लाल गेंदा फूल। एक ही टेक में बोला है, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब यही है, जो अमीर बाप की बेटियां हैं जिनके बाल लंबे हैं, तो इनका मन करता है जाके बाल में फूल लगा दें गेंदे का। तो तुम्हारा मन अजीब है, बड़े मतलब बिगड़ैल किस्म के हो। कोई भी लड़की का लंबा बाल दिख जाएगा तुम उसको जाके सीधा गेंदा, अरे आज खर, क्या पता उसको बालों में गुलाब लगाना हो, लोटस लगाना हो, लिली लगाना हो, सनफ्लावर लगाना हो, आप डिसाइड कर चुके गेंदा फूल लगाएंगे, सस्ता आता है वो, इसलिए बंदी खाने में बटर खा रही है, ये उनको गेंदा फूल देंगे। चीप हरकतें, सांवला सा रंग तेरा। सांवला सा रंग कह के एकदम गोरी चिट्टी जैकलिन फर्नांडिस को जो है वीडियो में कास्ट किया गया है, मतलब अपने लिरिक्स में तो खुद ध्यान दिया होता, लिखा अपने, गाया अपने, बट हीरोइनों को सांवला रहना ही कहाँ दे रहे हैं, उनको तो आते ही गोरा बना दिया जाता है 3-4 साल में है। बट खैर ठीक ही है, फेयर एंड लवली से आप चाहे जितना नाम रख लें, ग्लो एंड लवली या वट एवर एंड लवली,
गोरेपन से हमारा ऑब्सेशन तो कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं खुद पाउडर लगा के बैठी हूँ गोरा दिखने के लिए। डर्मी कूल लगाया है, गर्मी ज्यादा है, गर्मी का महीना आ गया इसलिए। बावला सा ढंग तेरा, मतलब अब वो पागल भी है काले, अजीबोगरीब लिरिक्स तुम लिख रहे हो और लड़की को बावला कह रहे हो। ये बंद कब होगा यार, ये लड़कियों के बारे में कुछ भी लिखते हैं ये लोग, और लड़कियां पागल है, आंखें मटक रही है इनके गानों में। कल मुझे बुलाएंगे मैं भी चली जाऊंगी। मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा, ये बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट है, नॉर्मली बंदे नहीं समझ पाते हैं, या फिर ये सारे जो टर्म्स है ना, हंसी तो फंसी, मना कर रही है मतलब हाँ है, ये सब ये लड़कों की अंडरस्टैंडिंग है, अपने आप बना के बैठे हैं साले। अब ये लिरिक्स के अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि भैया जो है उनको ऐसा लग रहा है कि दीदी जो है होने वाली भाभी, तो लड़की की बॉडी चुपचाप से बिना किसी को नोटिफाई किए भैया से बातें कर रही है, लड़की की बॉडी, मतलब जो ऑर्गन भगवान ने स्पेसिफिकली दिया है बात करने के लिए वो बिना यूज किए सारे बॉडी पार्ट्स बात कर रहे हैं। ये कमाल हो गया, बायोलॉजी आपको ऐसे नासा भेज देगी, क्योंकि वहां पे बायोलॉजी के रिलेटेड कुछ है नहीं। समझ में आ रहा है जोक? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप लिख सकते, यू आर नॉट ह्यूमरस एनीमोर। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी में हर लूंगा कोई भी पीड़ा, ये साले आयोडेक्स बने हैं, ये पीड़ा हर लेंगे। अब मेरे घर आइए, मैं अपनी नानी जी के पास आपको लेके जाऊं, उनके घुटनों में बहुत दर्द है, उनकी पीड़ा पहले हर लीजिए, आपको दुआएं देंगी, नन्ने मुन्ने आपके जो पोते होंगे उनको नेक देंगी, हाथ में 1001 रुपए। नानी की बड़ी याद आती है। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, पेस्ट कंट्रोल करवाइए सर। उसके बाद लिरिक्स कुछ ऐसे हैं, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, इनको स्वीट टूथ है, ये मीठे के शौकीन हैं। खैर वो लगता भी है, जस्ट बिकॉज अभी वो मीठी है तो आपसे चक्कर चला लेगी, मतलब हमारी ऐसी लड़कियां जो खट्टी और कड़वी हैं हमसे कोई चक्कर नहीं चलाएगा, हम सिंगल रहेंगे, मीठा होना पड़ेगा अब, स्वीट। बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, आई एम द बैड एस मदर, लिरिक्स में ही ऐसा है, एफ तक रुक गए हैं, उसके आगे मतलब ये एकलौते लौंडे हैं जो सही हैं, एलिजिबल हैं, बाकी ये लौंडे पकड़ पकड़ कर रहे हैं, और इनका लिरिक्स आई एम द बैड एस मदर, अपनी तारीफ में इतना अंधे होके लिख दिया है कि खुद को गाली दे दी, सिर्फ एक्सप्रेशन है ऑब्वियसली, वो मीन करके नहीं लिखते, वो रिदम ऐसा फ्लो होना चाहिए ना। यहाँ से लिरिक्स थोड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए, क्योंकि यहाँ से लड़की गा रही है, लिरिक्स पे फोकस करना, इट्स इंग्लिश। हार्ट बीट मिसिंग जब तू लुक मी इन द आई, लव तेरा बेबी मुझे टेक मी टू द स्काई, आप इनको आंखों में देख लीजिए पहले इनकी हार्ट स्किप हो जाती है, दरअसल ये किसी बीमारी किसी डिजीज के लक्षण लगते हैं, रादर देन गोइंग टू द डॉक्टर एंड गेटिंग हर सेल्फ चेक्ड वो गाना गा रही है, खुश हो रही है, लव तेरा बेबी मुझे टेक मी टू द स्काई, ये सब फिल्मी गानों में ही हो सकता है, रियल लाइफ है तो प्यार होने पे ऐसी घर में कुटाई होती है ना जबरदस्ती, तब जाके आपकी अरेंज मैरिज की जाती है घर में, समझ रहे हो, पर ये लोग गाना गाते हैं। इसके आगे तो और बढ़िया है, प्रोमिस वॉटर नेवर कमिंग डाउन फ्रॉम योर आई, यू आर माई जान बेबी नेवर गोना लाई, ये तो वो वाली इंग्लिश है, योर मदर फादर मैनर दिस ताजमहल क्रिएट, इंग्लिश इज नॉट राइस प्लेट ईटिंग, इंग्लिश इज लाइक अंडरटेकर प्ले। खैर सही है, इट्स ओके, क्योंकि देखो म्यूजिक और गाना ये सब जो अच्छी चीजें होती हैं इनका कोई लैंग्वेज नहीं होता है, वापस बंगाली में वो दो लाइन है, बोरो लोके बिटो लंबल लंबल, मतलब सही बात है, आप फूल लगा दीजिए फिर एक कंप्लेंट पे पुलिस आएगी वो आपको डंडे लगा देगी, उस पर एक गाना फिर बनेगा, इट्स योर बॉय बादशाह, ये लाइन मुझे इतनी पसंद है, मतलब जैसे वो यो यो हनी सिंह, मतलब वो हर गाने में हम बिना उसके गा सकते हैं ना, वैसे ही है, इट्स योर बॉय बादशाह, बादशाह भाई को पूरा एक गाना इसी पे बनाना चाहिए, इट्स योर बॉय बादशाह, हमारे लड़के हैं वो। बस फिर इसके बाद वही चार बांग्ला लाइंस हैं, इस गाने पे थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बट ओवरऑल गाना तो बहुत सही है, मतलब म्यूजिक बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, वीडियो देखने में भी अच्छा लगता है, ऑब्वियसली जैकलिन फर्नांडिस हैं तो वो ज्यादा यू नो वैसे क्या कहते हैं उसको, चार चांद लग गए हैं, बादशाह भाई भी मस्त ऐसा एकदम फुल स्वैग एटीट्यूड, उनका चश्मा और जैकेट भाई जलन से नहीं हो जाती देख के, सब कुछ सही था, सब अच्छा है बढ़िया है, ये लिरिक्स मेरे फेवरेट हैं, मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी, आप अपने बच्चों को सिखाइएगा, सब मिलके ग्रुप सॉन्ग गाएंगे किसी दिन, वीडियो ऑलरेडी सुपर हिट है, गाना तो ऑलरेडी सुपर हिट है ही, सही बात है। आई होप मैंने आपकी हेल्प की हो लिरिक्स समझने में, जहाँ पे हम सिर्फ लिरिक्स समझ रहे हैं, वीडियो के स्टार्ट होने में भी कहती हूँ एंड होने में भी कहती हूँ, आई होप आप लोग को जल्दी समझ में आ जाए कि सिर्फ लिरिक्स अंडरस्टैंडिंग एपिसोड्स हैं ये, ठीक है, ओके okay?
समझ आ रही है बात? 10 बार और कह दूं तो आप ऐसे 10 सेकंड्स आगे पीछे करके खुद एडजस्ट कर लीजिए, एडिटिंग में काफी टाइम लगता है, बोर हो जाता है ना जितने। ओके तो ये था आज का एपिसोड, गेंदा फूल समझने की कोशिश की हमने, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, और शेयर कर सकते हो तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं खुद आके आपके बाल में गेंदा फूल लगा के जाऊंगी किसी दिन, आप मेरे बाल में कुछ गेंदा फूल लगा सकते हैं किसी दिन, मिल बांट के हम गेंदा फूल की खेती कर सकते हैं किसी दिन। इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कॉल आ रहा है मैं जा रही हूँ, सब्सक्राइब बोला मैंने, हाँ वो कर देना।